हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हिंदी क्लास में। ठीक है बच्चों, बच्चों अभी हमने पार्ट 6 चलो खेलते हैं। बताओ उसमें किसका जन्मदिन था? मिश्रा का जन्मदिन था। और हमने चलो खेलते हैं कि सारी अभ्यास कार्यपत्रिका सब कुछ कर लिया होगा। बच्चों आप सबने कर लिया ना? लेकिन अब हम पढ़ेंगे पार्ट 7 चतुर्मुर्गा। क्या पढ़ेंगी हम? पार्ट 7 चतुर्मुर्गा। बच्चों कई लोग होते हैं ना, अपनी मीठी बोली के जाल में दूसरों को आसानी से फंसा लेते हैं। मीठा बोल बोल कर दूसरों को आसानी से फंसा लेते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वे किसी की भी झूठी प्रशंसा, प्रशंसा मतलब तारीफ में नहीं आती, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आते, और वे अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। विवेक मतलब दिमाग, इस्तेमाल मतलब यूज़ कर लेते। इस पर आधारित है पाठ 8 चतुर्मुर्गा। इस पाठ में मुर्गे ने अपना बचाव कैसे किया यही पढ़ेंगे हम। बच्चों मैं आपको चतुर्मुर्गा पाठ कहानी के रूप में सुना रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों? सुबह का समय था, झोपड़ी की छत पर बैठा मुर्गा बांग दे रहा था। जो मुर्गे की आवाज होती है ना उसको हम बोलते हैं बांग। सूरज की सुनहरी किरणों, सूरज की सुनहरी किरणों, सुनहरी मतलब सोने के रंग की, सोने का, सोने कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है ना। तो सूरज की सुनहरी किरणों में उसकी लाल कलगी, जो मुर्गे के ऊपर लाल रंग की कलगी होती है ना, मुर्गे के सिर के ऊपर जो चोटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कलगी। उसको क्या बोलते हैं? कलगी। सतरंगी लग रही थी, सतरंगी मतलब सात रंग की, सतरंगी मतलब सात रंग की। बच्चों मुझे बताओ और किस में होते हैं सात रंग? इंद्रधनुष में होते हैं ना सात रंग, आपने देखा है इंद्रधनुष? इसमें मुर्गे की जो कलगी थी वह सतरंगी लग रही थी। अच्छा, उसी समय झोपड़ी के पास से एक लोमड़ी जा रही थी, मोटी ताजी लोमड़ी जा रही थी। उसने छत पर बैठे मोटे ताजे मुर्गे को बांग देते हुए देखा तो उसको लगा कि मैं अब इस मुर्गे को खाऊं। उसके मुंह में पानी आने लगा। बच्चों देखो, जब आइसक्रीम देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है ना, तो इसी तरह लोमड़ी के मुंह में भी पानी आया। और वह रुक कर मुर्गे को लालच भरी नजरों से देखने लगी। मतलब उसको लग रहा था कि मुझे किसी तरह से ये मुर्गा मिल जाए, उसको लालच आ गया। लेकिन उसने देखो अब क्या किया, कौन सी बातें कर रही है लोमड़ी, मीठी मीठी बातें। लोमड़ी ने मीठी आवाज में मुर्गे को कहा, आवाज में मीठी आवाज में बोली, जैसे मैंने आपको बताया ना मीठी आवाज में दूसरों को फंसा लेते हैं। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, मुर्गे भैया, मुर्गे भैया, तुम्हारी बांग मतलब तुम्हारी आवाज तो कोयल की आवाज से भी ज्यादा मीठी है। देखो आपने देखा होगा ना कोयल कितना मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है, कौआ कड़वा बोलता है ना। तो उसने, लोमड़ी ने बोला, तुम्हारी आवाज तो कोयल से भी ज्यादा मीठी है। मुर्गे ने भी समझदारी से काम लिया, मुर्गे ने कहा धन्यवाद। अब आपको कोई टॉफी देता है तो आप थैंक यू बोलते हो ना, तो मुर्गे ने भी कहा मेरी तारीफ के लिए धन्यवाद। मुर्गे ने बड़े आराम से उसको कहा धन्यवाद। लोमड़ी बोली, मुर्गे भैया तुमने सुना नहीं? मुर्गे ने बोला, क्या क्या नहीं सुना लोमड़ी रानी, तुम मुझे बताओ। मैंने तो कुछ नहीं सुना, तुम बताओगी तभी तो मैं सुन पाऊंगा। यही तो मैं बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। यही कि आप सब पशु पक्षियों में मित्रता हो गई है। पशु जो जानवर होते हैं ना, जो चार पैर वाले होते हैं उनको बोलते हैं पशु, और जो उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? पक्षी। इनमें मित्रता हो गई है, मित्रता मतलब दोस्ती हो गई है। सबने मिलकर यह तय किया है कि
उसने लोमड़ी ने देखो कितनी चालाकी से मुर्गे को फंसाने की कोशिश की, बातों ही बातों में। उसने कहा सभी पशु और पक्षियों ने मिलकर यह तय किया है, यह निश्चय किया है, यह डिसाइड किया है कि कोई भी प्राणी किसी को भी नहीं मारेगा, कोई भी जानवर किसी जानवर को भी नहीं मारेगा, सब प्यार से मिलकर रहेंगे। लोमड़ी देखो सच बोल रही थी, नहीं लोमड़ी बिल्कुल झूठ बोल रही थी, उसकी झूठी तारीफ कर रही थी कि अब हम सब मिलजुल कर बड़े प्यार से रहेंगे, हमने यह निश्चय कर लिया है, यह तय कर लिया है कि हम कभी भी एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसलिए तुम नीचे आ जाओ, खेलेंगे कूदेंगे, अब हम सब खेलेंगे कूदेंगे और मजे करेंगे, तुम नीचे आ जाओ, लोमड़ी ने उसको कहा। मुर्गा बोला, मुर्गा ने देखो कितने विवेक का इस्तेमाल किया, विवेक मतलब दिमाग का इस्तेमाल किया उसने, मुर्गे ने भी समझदारी से उत्तर दिया, आज तुमने बड़ा अच्छा समाचार सुनाया मुझे। किसने बोला? मुर्गे ने बोला। तुमने मुझे बड़ा अच्छा समाचार सुनाया लोमड़ी रानी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे दूसरे मित्रों को भी इस खबर का पता चल चुका है। मुर्गे ने देखा बोला कि तुमने तो मुझे बहुत अच्छा समाचार सुनाया, मुझे लगता है कि तुम्हारे जो दूसरे दोस्त हैं ना उनको भी इस समाचार का पता चल चुका है, वे भी खेलने के लिए दौड़कर हमारे साथ खेलने के लिए आ रहे हैं, वे आ जाएंगे तब मैं नीचे उतर जाऊंगा। मुर्गे ने देखो कितना अच्छा आंसर दिया उसको, कितना अच्छा उत्तर दिया कि तुम्हारे जो दूसरे दोस्त हैं ना उनको भी ये समाचार मिल चुका है, जब वो आ जाएंगे, जब वो आपके दोस्त आ जाएंगे तब मैं नीचे उतर जाऊंगा और फिर हम सब मिलकर खेलेंगे। लोमड़ी ने फिर से पूछा, अच्छा कौन से मित्र आ रहे हैं मेरे, मुझे बताओ। मुर्गे भैया मुझे भी तो बताओ, मुझे मेरे कौन से मित्र आ रहे हैं। मुर्गे ने फिर चालाकी से उत्तर दिया, शिकारी कुत्ते। लोमड़ी रानी जो तुम्हारे दोस्त हैं शिकारी कुत्ते हैं ना, वे आने वाले हैं। इतना सुन ते ही लोमड़ी डर के मारे भाग गई, क्योंकि शिकारी कुत्ते तो उसको मारकर खा जाते। इतना सुनते ही लोमड़ी डर के मारे भाग गई। चतुर मुर्गा छत पर, झोपड़ी की छत पर बैठे ही बोल रहा था, अरे लोमड़ी रानी भागती क्यों हो, अब तुम्हें किस बात का डर है, वो शिकारी कुत्ते भी तो तुम्हारे मित्र हैं, और जब वो आ जाएंगे तो तुम भी खेलना हम भी खेलेंगे, अब तुम डर के कहाँ भाग रही हो, वह सब भी तो तुम्हारे मित्र हैं। मुर्गे ने हंसते हुए कहा, हाँ यह तो ठीक है, पर हो सकता है कि कुत्तों को यह खबर ना मिली हो। भागते भागते लोमड़ी ने भागते भागते कहा, हो सकता है कुत्तों को यह खबर ना मिली हो। मुर्गा और जोर से हंसने लगा, मुर्गा जोर जोर से हंसने लगा। देखो कितनी समझदारी से उसने अपनी जान बचाई, नहीं तो लोमड़ी तो उसको झूठी तारीफ झूठी प्रशंसा करके उसको नीचे उतार कर बोल रहे थे खेलने के लिए आ जाओ, लेकिन चतुर मुर्गा नीचे नहीं आया। बच्चों हमें भी कई बार समझदारी से काम करना पड़ता है, समझदारी इस्तेमाल करनी पड़ती है। कई बार आपको ऐसा होता है कि रोड पर चढ़ते हुए कहीं लोग बोलते हैं, लो बच्चा ये टॉफ़ी ले लो और हमारे साथ चलो, मीठा मीठी आपकी बातें आपको बातों में लगाकर वो आपको अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन बच्चों लेकिन हमको वहाँ उनके साथ नहीं जाना चाहिए, तभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पठन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।